तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा तड़का जो है वो तैयार हो गया है और ये जाने वाला है हमारे कढ़ी में, क्योंकि आज हमने अपने घर में बनाया है कढ़ी और आज हमारे किचन में बनने वाला है कढ़ी चावल। तो कढ़ी बिल्कुल मेरा बनकर तैयार हो गया है और इसमें तड़का भी लग गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आज हमने जो कढ़ी बनाया है वो किस तरह से बनाया है। और ये कढ़ी जो है हर किसी को पसंद आता है, खासकर सर्दी के मौसम में तो इसे खूब पसंद किया जाता है। तो देखिए ये कितना यमी लग रहा है और देखते ही मुँह में जो है पानी आ जाता है, कढ़ी का नाम सुनते ही लोगों के मुँह में पानी आ जाता है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हमने ये कढ़ी किस तरह से बनाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए दो चीज़ हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरी होता है, एक तो होता है दही और दूसरा होता है बेसन, जिसे हम लोग पकौड़ा बनाते हैं। तो हम बेसन से पकौड़ा नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ पे चना का दाल हमने रात में ही भिगो दिया था, क्योंकि सुबह जब बनाना होता है तो आपको इसे 6 से 7 घंटा फूलने में लगता है। तो देखिए चना का दाल धोकर अच्छे से मैं इसे पीसने वाली हूँ और इसमें दाल दिया है मैंने 2 हरी मिर्ची और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े और लहसुन, ये सब मिला के इसको हम लोग क्या करेंगे, दरदरा पीसेंगे। बिल्कुल बारीक हम लोग नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है और अभी मैं इसको पीसने वाली हूँ। जब इस तरह से आप बनाते हैं ना चना दाल फुलाकर, उसका जब पकौड़ा आप बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है काफ़ी अलग होता है। तो देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है, आपको पतला बिल्कुल नहीं पीसना है। ये देखिए जिस तरह से आप बड़ी बड़ी बनाते हैं उसी तरह से हम लोगों को इसको पीसना है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन तो हमने पहले से डाल दिया था, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा कलौंजी डालकर अच्छे से हम इसको क्या करेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा रेस्ट होने देंगे। जब तक वो रेस्ट होता है तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अभी ये मैंने दही लिया है जो हमने कल ही जमा के रखा था और फ्रिज से भी ताज़ा इसको निकाले हैं। और इस दही को हम लोग क्या करेंगे, पहले फेटेंगे, मथेंगे। तो आप चाहे तो हाथ से भी इसको मथ सकते हैं। और अभी मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। तो जो बेसन हमने पीसा था उसमें से हम थोड़ा सा बेसन जो है ऐसे ही निकाल लिए थे बिना मसाला का, उसी में हमने 3 डब्बू जो है दही इसमें डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपके घर में जितने लोग हैं। ये 2 से 3 लोगों का बनने वाला है, मैक्सिमम 2 लोगों का, बच्चे लोग जो है ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, तो 2 लोगों का कढ़ी बनने वाला है इसलिए मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। तो अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डाल देंगे और इसको जो है एक बार अच्छे से चला देंगे। तो दही और बेसन जो है अच्छे से मेरा क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो दही को अलग से फेंट कर उसमें बेसन जो है वो डाल सकते हैं। और देखिए बीच में चार भी आ गई है और हमको डिस्टर्ब कर रही है। तो अभी फ्रेंड्स देखिए मेरा जो है पीसना हो गया है और दही जो है मतलब मट्ठा जिसे हम लोग बोलते हैं वो तैयार हो गया है। और अभी इस मैं एक बर्तन में निकाल ली हूँ जिसमें हमें इसे कढ़ी को बनाना है, डायरेक्ट उसी में मैं निकाली हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन इससे गंदा नहीं होता है। तो अभी हमने निकाल लिया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा सा पतला थोड़ा सा अगर लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन जो है वो रखे हैं तो उसको भी डाल सकते हैं। गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी इसको मैंने पतला रखा है और इसमें हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा हल्दी डालकर एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी इसको हम लोग खौलाने वाले, अभी तो हल्दी का कलर आपको कम दिखेगा लेकिन खौलने के बाद ये जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही डालिए अपने जैसे आपको अंदाज से आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद जब खोलाएंगे ना तो ये अपना कलर जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है। तो अगर आप ज़्यादा हल्दी उस टाइम पे डालेंगे तो आपका जो है वो कड़वा हो जाएगा, तो आपको इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी देखिए मैं इसको धीमी आंच पे चढ़ा दी हूँ कढ़ी के बनाने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोगों को पकौड़ा भी बनाना है। तो अभी सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, फ्लेम को हाई रखिए और इसको चलाते रहिए। अगर इसको चढ़ाकर आप छोड़ देंगे तो एक तो ये फट जाएगा जिससे आपका कढ़ी जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कढ़ी का जो है टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो कढ़ी नहीं रहेगा। और दूसरा जो है ये बहकर बाहर भी गिर सकता है। तो आपको 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको इस तरह से चलाते रहना है जिससे क्या होगा ये खोलना शुरू हो जाएगा। एक बार ये खोलने लगेगा उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिए और उसको ऐसे ही पकने दीजिए। आपको 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है ताकि जो बेसन हमने डाला है वो पक जाए अच्छे से, नहीं तो बेसन का जो है आपको गंध आएगा तो आपका जो है कड़वा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा उसका टेस्ट। तो हमको बेसन को अच्छे से पकने देना है और इसे हम लोगों को इतना मतलब जितना आपने
बेसन और दही का मिक्सचर लिया है, मतलब मट्ठा लिया है, उसका हम लोगों को 3/4 बचना चाहिए, 1/4 जो है हम लोगों का मतलब उसको सुखाना है। अभी इधर मेरा कढ़ाही जो है वो गर्म कर लिया है और अभी तब तक हम लोग क्या करेंगे, पकौड़ा छान लेंगे। जब तक मेरा जो है कढ़ी वो है मतलब खोल रहा है बेसन वो, और भी मतलब बेसन अच्छे से पक रहा है, तब तक मेरा पकौड़ा जो है वो तल लेते हैं दूसरे चूल्हे पे। और पकौड़े को आप हाथ से भी डाल सकते हैं, बैटर को मैंने चम्मच से डाला है, तो आप इसको पलट कर अलट कर आप इसको अच्छे से पका लें और इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अभी देखिए कितना ये क्रिस्पी लग रहा है, और अगर आप बेसन का बनाएंगे तो ये इतना क्रिस्पी नहीं लगता है। आप इसको चटनी के साथ सॉस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं सर्दी के मौसम में, और तो ये काफ़ी पसंद किया जाता है। तो अभी मेरा पहला बैच जो है पकौड़े का निकल गया है, अभी दूसरा बैच मैं चढ़ा दी हूँ। और देखिए मेरा जो है कढ़ी जो बिल्कुल खोल गया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा कढ़ी पत्ता जो है डाल दिया है, क्योंकि साउथ में तो कढ़ी पत्ता जो है ऐसे फ्री में मिल जाता है आपको कोई कुछ, तो घर में ऐसे ही मेरा पड़ा रहता है, तो अभी यहाँ पे कढ़ी पत्ता जो है मैंने डाल दिया है। और अभी देखिए मेरा जो है कितना अच्छा पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है, कितना क्रिस्पी लग रहा है, कितना क्रंची लग रहा है। तो इस तरह से पकौड़ा आप बना के एक बार ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी जो मतलब टेस्ट बिल्कुल अलग दिखेगा, जो बेसन का डायरेक्ट हम लोग घोल कर बनाते हैं उससे इसका टेस्ट जो है काफ़ी डिफरेंस होता है। अभी देखिए मेरा ये खोल कर देखिए इतना जो है पहले यहाँ तक लेवल था, अभी उतना सूख गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो अभी इसमें हम लोग डाल देते हैं तला हुआ पकौड़ा, कुछ पकौड़ा मैंने वैसे ही खाने के लिए रख लिया, बारबी को ऐसे ही पसंद आता है बच्चे लोगों को, तो पकौड़ा मैंने थोड़ा सा ऐसे तल बाहर रह देने दिया है, मतलब सूखा रहने दिया, और थोड़ा पकौड़ा हम इसमें डाल देंगे। और उस टाइम पे पकौड़ा डालने के बाद इसको हम लोगों को खौलाना नहीं है, फ्लेम को हम लोगों को मतलब गैस के बर्नर को ऑफ कर देना है, उसके बाद इसको हम लोगों को ढक देना है। अभी मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, तो तड़का के लिए हमने लिया है लहसुन, इसको छील कर मैंने ये कर लिया है, और गर्म हो गया है तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। ये एक्चुअली तड़का मैं दो चीज़ के लिए बना रही हूँ, एक कढ़ी के लिए और दूसरा चोखा के लिए, क्योंकि कढ़ी के साथ तो चोखा बनता ही है। तो अभी थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता तो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, तो इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं। नहीं चलाने से क्या होगा, मिर्चा जो भी है वो एक तरफ पकेगा जल जाएगा, दूसरा तरफ जो है कच्चा रह जाएगा। तो अभी मेरा तड़का जो है तैयार हो गया, अभी मैं डालने वाली हूँ ये देखिए कढ़ी में। और तड़का जब लगाते हैं तो उसको खुला मत रखिए, उसको डालते ही ऊपर से ढक दीजिए, जिससे जो है कढ़ी का जो तड़का का जो है फ्लेवर वो बाहर नहीं आएगा, उसी के अंदर रहेगा। और तड़का जब लगाते हैं तो कभी होता है क्या उछल कर जो है आपको पड़ भी सकता है, इसलिए इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा कढ़ी जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, चावल हमने पहले से ही बना लिया है, तो आप ही अपने घर पे सर्दी के मौसम में इस तरह से कढ़ी बना सकते हैं और खा सकते हैं, सबको काफ़ी पसंद आता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर पर इस तरह से कढ़ी चावल बनाकर खाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।